मोदी सरकार की ये तानाशाही है। छोटी सी कमाई है उसमें किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं, और चलान हो गया तब तो फिर बर्तन भांडे बिकने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ी ना है कि 100 का 1000 कर दूँ। घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं गाड़ी लेके। इतना मत दबाओ कि कल को सरकारी खत्म हो जाए। क्या है, इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब है, किसी को खाने के घर में नहीं है, वो कहाँ से 25-25 हज़ार रुपये चलान भरेंगे दादा। दिल्ली में 11 तारीख को ऑटो टैक्सी की हड़ताल भी है। नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम हैं दिल्ली के दिल में कनॉट प्लेस में। आज हमसे पूछना चाहेंगे लोग कि जो 1 सितंबर से चालान बढ़े हैं उससे आप पे क्या असर पड़ा है और क्या ये सही है? आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। चलो देखा जाए तो ट्रैफिक का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करने भी चाहिए, चलो ये अच्छी बात है, पर जो इतना फाइन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना अफोर्ड कर नहीं सकता। तो कोई कोई अफोर्ड कर भी सकता है और कोई नहीं भी कर सकता, तो इतना तो ज़्यादा है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार काला धन लाने वाले, 8 हज़ार की नौकरी ना देने वाले, अब वो कह रहे हैं कि चालान भर के काला धन भरो, जनता से लूट लूट के भर रहे अपना धन, कहाँ से भरेगी ये जनता? देखिए मैडम, जो ये चालान बढ़ा है ये काफ़ी ज़्यादा है, और छोटी मोटी दिक्कतों को तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों हज़ार के चालान ये ड्राइवर कैसे भरेंगे? क्योंकि सभी ड्राइवरों की अपनी गाड़ी तो है नहीं, कुछ ड्राइवर गाड़ी किराए पर लेकर भी चलाते हैं, किसी का किराया 500 रुपये है, किसी का 450 रुपये करते हैं। क्या हमने इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, जितना ज़्यादा कर रखा है नॉर्मल होना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है आप लोगों की, तो आप इस पे क्या? मैम बिल्कुल सही है, सेफ्टी के लिए, बट इतनी सेफ्टी के लिए कि हमारे घर के राशन वाले पैसे चले जाएं तो फिर हम क्या कम घर में। गलतियाँ इंसान से ही होती है, किसी से भी हो सकती है। ट्रैफिक वाले जैसे वकील साहब की गाड़ी भी आपने न्यूज़ में भी उसमें भी देखा, पेपर में पढ़ा होगा, 23,000 रुपये चलान हो गया, 10,000 की स्कूटी नहीं उनकी, 23,000 के चलान कैसे भरेंगे? गाड़ी खड़ी कर लो भाई, अपनी गाड़ी दे के चले आएंगे और क्या करेंगे? नहीं होना चाहिए ना इतना हो कि आदमी किसी तरह से उसको भर सके। छोटा का कर दिया, 2,000 का चलान 15,000 रुपये का, ऐसे कैसे हो पाएगा? 15,000 तो हम पूरे महीने कमा के जोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे। नुकसान है, बड़े आदमी को कोई नुकसान नहीं है, जो मिडिल सर्कल का जो आदमी है उसको नुकसान ज़्यादा है। मैं यही कहूँगा मोदी सरकार की ये तानाशाही है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। दिल्ली में 11 तारीख को ऑटो टैक्सी की हड़ताल भी है और मोदी सरकार अपनी तानाशाही पे आ चुकी है। पिछले पाँच साल में कुछ भी नहीं करा, एक बस मिसाइल मारी पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं करा, और अब भी वही तानाशाही चालू है। अब एक बार गलती करता है तो 1,000 है, दूसरी बार करो तो 2,000 से लेकर के 10,000 तक है, ये बात गलत है, ऐसे चलान नहीं होनी चाहिए। क्या तो हमारे जनता जो है हर आदमी इसमें पीस जाएगा। अभी 13-14 हज़ार के स्कूटी था, उसका 23,000 का चलान कटा, क्या वो स्कूटी छोड़ा पाएगा वो, या छोड़ के चलाएगा थाने में छोड़ देगा वो? छोटी सी कमाई है उसमें किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं, और चलान हो गया तब तो फिर बर्तन भांडे बिकने की नौबत आ जाएगी। सरकार के बारे में यही कहना चाहिए, सब कुछ ठीक है जी, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना करो कि किसी को ऊपर लोड ना पड़े, गरीब आदमी उसको झेल सके, इतना मत दबाओ कि कल को सरकारी खत्म हो जाए। फ़र्क पड़ा है यार, जो हम एक दिन एक चलान भी हो जाता तो कई दिनों की कमाई चली जाती है उसके अंदर। सबसे ज़्यादा प्रभाव ये पड़ा कि अब घर क्या ले जाए, मालिकों को क्या दे, क्योंकि गाड़ी किराए की है, घर भी है, बच्चे हैं, उनको क्या दे? अब एक ये हिसाब लगाओ, कम से कम 1,000 रुपये का चलाना है, 1,000 रुपये में कब नो पार्किंग का भी 1,000 रुपये का चलाना है, तो कई दिन की कमाई चली जाती है उसके अंदर। कहा जा रहा है कि ये चलान जो बड़े हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए बड़े हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम कोई सेफ्टी ही नहीं है, इस चीज़ जो कह रहे हैं ना लोगों की सेफ्टी है, सेफ्टी की कोई चीज नहीं है। ये बताइए ना कि क्या वो है? हमारा जो चलान हो एक बार पुलिस वाले मुंह खोल गएंगे, 1,200 के चलान है तो वो 200 पर 400 पर 500 पर मान जाएंगे, उनकी कमाई बढ़ा है, हमारा कमाई तो पॉकेट से निकलेगा ना। और गुरुग्राम में आज क्या नाम 94,000 का चलान हुआ है ऑटो का, 94,000 और एक का 75,000, उसकी मतलब कि अगर जो 10,000 का चलान हो गया तो ये समझ लो कि महीनों की कमाई उसकी चली गई है। बच्चों को क्या खिलाएगा ड्राइव, गाड़ी किराए की चला रहा तो उसको क्या देगा? और जब हम उसको किराया नहीं देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक खड़ी खड़ी करवा। घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं गाड़ी लेके, बहुत सारा फर्क पड़ गया, इतने सारे डबल चरगुने चलान कर दिए। ये इंडिया है, इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब है, किसी को खाने के घर में नहीं है, वो कहाँ से 25-25 हज़ार रुपये चलान भरेंगे? 10-10 हज़ार भरेंगे, ब्याज पे लाके भरेंगे, अपने आप को बेचेंगे, जोड़ू बेटी को बेचना पड़ रहा है ना इस समय। मैं यही कहूँगा मोदी सरकार की ये तानाशाही है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। दिल्ली में 11 तारीख को ऑटो टैक्सी की हड़ताल भी है
और मोदी सरकार अपनी तानाशाही पे आ चुकी है। पिछले पाँच साल में कुछ भी नहीं करा, और ऊपर से यहाँ की जो महंगाई है वो इससे भी ज़्यादा आसमान को छू रही है, ठीक है। और चलान पे चलान, रूल पे रूल, कभी बिजली का, कभी पानी का, ये मतलब जो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनको ये क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जो VIP लोग, उनको तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो हम जैसे, जो मतलब हम जैसे हो गए, और कोई हमसे भी गरीब हैं, थोड़े से मतलब उससे भी ज़्यादा गरीब है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही है। ये चालान की जो व्यवस्था लगाई इन्होंने अच्छी है, गुड है एकदम, बिल्कुल। इससे थोड़ा जो चालान बढ़ा है, कुछ रूल फॉलो भी करेंगे, पर मेन चीज़ तो ये है ना, जैसे इन्होंने चालान बढ़ाया है, वैसे इनको भी तो अपना कुछ करना चाहिए। जैसे कि बत्ती होती है, ख़राब होती है, तो उस पर भी उनको चालान देना चाहिए। जो कि ड्राइवर है, जो भी है, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, कोई भी है, अगर बत्ती ख़राब है या रोड ख़राब है, कुछ भी है, तो सरकार उनको चालान दे फिर वापस। तो ये अपना भी तो रूल बनाए, अगर रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया जब बाई चांस, तो उसका चालान कौन भुग देगा? उसको तो सरकार को देना चाहिए ना। जब वो हमसे ले रही है तो उनका भी फर्ज बनता है ना हमको देने के लिए। और रोड पे गड्ढे होते हैं काफ़ी, रोड बनाते नहीं है, चालान लेने के लिए आ गया जाते हैं। बत्तियाँ ख़राब होती हैं, बारिश के टाइम में काफ़ी जाम लग जाता है, तब भी कोई व्यवस्था नहीं होती इनकी। हमसे लेने के लिए बस चालान है, अपने खुद देने के लिए इनके पास चालान नहीं होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।